हरियाणा में पिछले मंगलवार को अचानक हुए बड़े उलटफेर में राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन अचानक से टूट गया, जिसमें जीजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम के पद से हाथ धोना पड़ा था। सूत्रों के मुताबिक भाजपा जेजेपी गठबंधन टूटने की मुख्य वजह सीटों का बंटवारा रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला दो सीट लेने के लिए अड़े हुए थे, जबकि बीजेपी आलाकमान एक सीट देने की बात मानने को तैयार था। ज्ञात रहे कि दुष्यंत चौटाला 2014 में हिसार से और चौधरी अजय सिंह चौटाला महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से सांसद रहे हैं। चौटाला ने बताया कि हम बीजेपी हाईकमान के साथ बातचीत में बिना कोई लोकसभा सीट लिए भी गठबंधन में रहने को तैयार थे, परंतु उसके लिए हमने प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 5100 रुपए करने की मांग रखी थी। लेकिन जब पता चला कि प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व और चेहरे बदल रहे हैं तो हमने गठबंधन में रहने से इनकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 10 की 10 लोकसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया जा रहा है और आगे की रणनीति पर मजबूती से काम किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंत में ये निर्णय भी किया कि अगर एक भी सीट हम नहीं लेते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है उसको 5100 रुपये कर दिए जाए, और उसके उपरांत अगले दिन यही समाचार आता है कि पूरी गवर्नमेंट को ही बदला जा रहा है। तो हमने ये कह दिया था हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर हमारी इतनी महत्वपूर्ण मांग बुजुर्गों के सम्मान की पूरी नहीं होती तो फिर उस सरकार का हिस्सा रहने का औचित्य नहीं है। भी हमने पिछले एक हफ्ते में 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर सभी साथियों से मंथन भी किया है, और अब 90 विधानसभाओं में होली से पहले हम जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे और आगे की जो रणनीति है मजबूती से पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।